हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट में। दोस्तों, हमारे पास टाइम ना होने के कारण हम ये वीडियो को बहुत शॉर्टली जो है अपलोड करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए अराउंड 9 o'clock हो चुका है। हमें 5 मिनट के अंदर जो है ये वीडियो यूट्यूब तक अपलोड करना पड़ेगा, चाहे जैसे भी आप तक पहुँचना ही पहुँचना है। तो अभी हम बताने वाले हैं कि कौन सा स्टॉक का जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होने वाला है, आप खरीद सकते हो, अच्छा जो है प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, जिससे आने वाले दिनों में आपको अच्छा से अच्छा जो है बेनिफिट मिले। तो सबसे पहला स्टॉक यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, JTEKT इंडिया करके है, 84 रुपीज़ इसका जो अभी करंट वैल्यू चल रहा है, 84 रुपीज़ के आसपास है। तो ये रहा दोस्तों स्टॉक का जो चार्ट है। तो आपको ख़रीदना है दोस्तों, दम भर ख़रीदना है, एक भी शेयर छूट ना जाए आपके हाथ से, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये स्टॉक ख़रीदते देखिए बहुत ज़्यादा हाई गया था 96 के आसपास, उसके बाद दोस्तों ये स्टॉक देखिए गिरा हुआ मिल रहा है, क्योंकि देखिए जब भी ये स्टॉक ऊपर का लेवल मारता है, ऊपर का लेवल मारने के बाद ये नीचे का लेवल आता है, लेवल से फिर वो ऊपर चला जाएगा। तो मैं आपको जो है ये करेक्ट टाइम पर बताया जा रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि आप जब भी कोई स्टॉक खरीदते हो ना, तो वहाँ पर एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लिया करो। ये स्टॉक का भी मैं स्टॉप लॉस बता दे रहा हूँ दोस्तों, 82 रुपीज़ लगा लो, 82 या 83 लगा लो, चलो ठीक है, 83 रुपीज़ भी लगा लोगे तो यहाँ पर कितना आपके पास बचेगा, ठीक है। स्टॉक का देखो, स्टॉक का प्राइस है 84.50, ठीक है, 83 रुपीज़ लगा लो, 1 रुपया का कम से कम स्टॉप लॉस लगा लो, ओनली 1 रुपीज़। और जो आपका टारगेट रहेगा दोस्तों यहाँ पर देख लो, पहले तो जो है वो 90 के आसपास रहना चाहिए, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर देखो 5 या 10% आपको मिलता है भाई, तो लेके निकल जाओ, अपना एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन रखो, एक्स्ट्रा एटीट्यूड के मामले में मत रहो, जैसे कि स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, नहीं भाई रहने दो, रहने दो। अपना जो है बीओ ऑर्डर लगा के खेलो, चाहे सीओ ऑर्डर लगा के खेलो, ठीक है, ब्रैकेट ऑर्डर चाहे कवर ऑर्डर लगा के खेलो, अच्छे से खिलेगा, ठीक है, कोई मिस ना हो जाए। उसके बाद देख सकते हैं ये स्टॉक का बता देता हूँ, एक मिनट दोस्तों, ये जो स्टॉक है ये बड़ा वाला बॉस्च का लिमिटेड जो है, इसका जो प्राइस है इंक्रीज़ होने वाला है, तो इसको भी आप दम भर खरीद सकते हो, इसका हाथ से नहीं निकलना चाहिए दोस्तों। हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगा, प्राइस बड़ा है लेकिन बढ़ेगा तो भी बड़ा बड़ा बढ़ेगा, मतलब कि दोस्तों 80 रुपीज़ का स्टॉक कितना जा सकता है, 5-10 रुपया जा सकता है, मतलब कि ज़्यादा ज़्यादा कितना हो सकता है दोस्तों, 10 रुपीज़ इंक्रीज़ हो सकता है। तो ये 14,000 का स्टॉक कितना जा सकता है, 400, 500, 600। तो बस अगर आप परसेंट में देखोगे ना, परसेंटेज देखोगे तो भाई दोनों का एक ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक को अपने रेडार पर रखो, भागने मत दो, छूटने मत दो, छोटा बड़ा समझ के छोड़िएगा मत दोस्तों, बड़ा और छोटा नहीं देखना मार्केट में, हमें तो भाई पैसे चाहिए, या बड़े वाले से आए चाहे छोटे वाले से आए, ठीक है। तो आप दम भर खरीदिए दोस्तों इसको, चाहे जो भी 2, 4, 5, 10 जो भी हो दोस्तों आपको खरीदना है, ठीक है ना। अभी ज़्यादा के ज़्यादा टाइम ना होने की वजह से मैं वीडियो को जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे स्टॉक को अपने रेडार पर रखिए। और ये भी अपने निचले स्तर पे आपको मिल रहा है दोस्तों, ये निचले देखिए, देखिए दो चीज़ होती है, एक जो होता है दोस्तों, बंदा मान लीजिए किसी स्टॉक का जब प्राइस हो जाता है, तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है जो बोलते हैं कि ये स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ हो चुका है, ये देखो वो देखो, चाहे जो भी है प्राइस तो इंक्रीज़ हो गया, क्या फ़ायदा। और ये मैं जितने भी आपको स्टॉक बता रहा हूँ वो ऐसे लेवल पर बता रहा हूँ दोस्तों, जो स्टॉक गिरा हुआ है, मतलब अब ज़्यादा नहीं गिर सकता। देखिए ये 17,000 का स्टॉक है, 14,000 में मिल रहा है, और वो भी गिरे हुए प्राइस में मिल रहा था दोस्तों। यहाँ पर यू शेप मार के, कप एंड हैंडल शेप बना के ये अपर मोमेंट में जाएगा और अच्छा से अच्छा जो है बेनिफिट देगा, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक पे आपको रहना चाहिए दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि दोस्तों इस पे भी स्टॉप लॉस लगाएं, तो मैं बोलूँगा दोस्तों 50 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लो, 50 रुपीज़ का, ठीक है, तो 13,950 का लगा लो, 13,950। और जो टारगेट रहेगा दोस्तों इसका 500 का टारगेट लगा लो, चलो ठीक है, 14,000 है, 14,500 लगा लो, 500, 600 जो भी हाथ में आएगा लेके निकलना, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों आपको अच्छे से इन्वेस्टमेंट करना है, कोई ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, इन्वेस्टमेंट कीजिए तो आने वाले दिनों में आपको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चार्ट पैटर्न को आप देख के समझ सकते हो दोस्तों, ये गिरे हुए स्टॉक में आपको पैसा बनाने के लिए अच्छा टाइम मिल रहा है। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इंक्रेज कीजिएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, आप ही के लिए वीडियो है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।